अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन हसन व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम आए हुए थे फूफो के घर दावत खाने। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं मोहम्मद जुरेल। ये पारिशी जान किसके घर आई है? फूफो के घर। हाँ, आज फूफो के घर दावत है। चलें जी, आज फूफो के घर दावत खाते हैं। अभी हमाद भाई वो बना रहे हैं। हमाद भाई क्या बना रहे हैं आप? सर जी, आज हम मटर पुलाव गाजर का हलवा और माशाल्लाह ठंडी और अंडा ग्रेवी। माशाल्लाह जी, वो कह रहे हैं कि मटर गजरेला बना रहे हैं, मटर पुलाव बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं सर जी? और हम बना रहे हैं वाइट हैंडी बना रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जिसने ये जी देखे हमाद भाई, आप मटर का कचूमा बना रहे हैं जी। सर जी, हम मिर्चों का पेस्ट बना रहे हैं। हाँ जी, मिर्चों का टेस्ट बना रहे हैं। पेस्ट जी, हम मिर्चों का पेस्ट बना रहे हैं जो कि हम सालन में और चावलों में डालेंगे। ये कह रहे हैं कि हम मिर्चों का पेस्ट बना रहे हैं और सालन और चावलों में डालेंगे। ठीक है जी, अभी आपको दिखाते हैं इसका कैसा बना है जी। ऊपर से ढक्कन उठाइएगा, हमें दिखाइएगा। ये जी देखो, वाओ, जो अभी पेस्ट बनाया है उसको हम ये मटर पुलाव में डाल रहे हैं जी। सर, ये मटर पुलाव बन रहा है और मटर पुलाव में ये डाल रहा है जी मिर्चों का पेस्ट। ग्रेवी पहले हम बना चुके हैं, अभी ये ग्रेवी पहले बन चुकी है, ये अभी बना रहे हैं उसका मिर्चों का पेस्ट डाले इसके अंदर, वो भी अभी आपको दिखा रहे हैं जी। और इस पतीले में क्या बन रहा है जी? इस पतीले में बन रहा है जी वाइट हांडी। माशाल्लाह जी, इस पतीले में बोल रहे हैं कि वाइट हांडी बना रहे हैं, वो भी हमारे भाई अपने हाथों से। आज इनका टेस्ट चेक करेंगे, पहली बार इनका टेस्ट देख रहे हैं जी, कैसा टेस्ट आएगा वो भी अभी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये मिर्चों को साबित काट रहे हैं, इसको क्या करोगे? ये साबित मिर्चे काट रहे हैं, इनका अपना फ्लेवर आएगा, जूसेस निकलेंगे इनके, और ये हम डालेंगे ऐसे चावलों में, साबित डालेंगे पूरी काट के डाल दें ताकि थोड़ा अंदर का फ्लेवर भी चावलों के अंदर। वाओ, ज़बरदस्त। चलें जी, इसका भी अपना अलग जायका होता है, अलग टेस्ट होता है इन मिर्चों का भी जो डाल रही हैं उनके अंदर जी। हमाद भाई ने इसके अंदर डाल दिया है। हमाद भाई अपना चेहरा भी दिखा दें। ये हमाद भाई हैं, माशाल्लाह। मटर पुलाव बन रहा है। हाँ जी, ये मटर पुलाव बना रहे हैं जी, इनके कुंवारे हाथों से बना के हम आज खाएंगे। पता नहीं भाई आप शादी कब करेंगे। हमाद भाई शादी कब करोगे? जब आपके सब्सक्राइबर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह जी, जब हमारे मिलियन में व्यूज़ आएंगे तो फिर आप शादी करेंगे। फिर साजन भाई हमारी शादी का व्लॉग भी बनाएंगे। अगर पाकिस्तान हुआ तो व्लॉग ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, मिलियन प्लस व्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत। चलो चलो चलो, चावल तैयार। ये अब ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमाद भाई इसमें पानी डाल रहे हैं, इसमें आप चावल डालेंगे? अभी इसमें चावल डालने के लिए पहले पानी डाला जा रहा है। जल्दी ले आए हमाद भाई, क्योंकि जितने चावल होते हैं उसका डबल पानी डालना पड़ता है, तब जाके चावल बनते हैं। ये हमाद भाई, इनको आइडिया है, हमें आइडिया नहीं है। ज़्यादा पानी डालना है ताकि आपको आइडिया भाई, आपने बनाने पानी डाल दिया साहब। माशाल्लाह जी, अब ये कितनी देर में? सर जी, जैसे ही पानी को बॉयल आएगा इसमें हम चावल डालेंगे। जी भाई कह रहे हैं जैसे ही पानी को बॉयल आएगा, मतलब एक उबाल आएगा उसके अंदर फिर चावल डाल देंगे। हाँ जी, माशाल्लाह जी, वो वाइट हांडी पहले आपको दिखाया था वो भी बन रही है। अब इसमें गोश्त डाल दिया गया है। अहमद भाई अपने हमाद भाई अपने कुंवारे हाथों से इसमें डाला है। ये कितनी देर में बन जाएगा? ये इंशाल्लाह एक घंटे में तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह, वो बोल रहे हैं एक घंटे के अंदर अंदर वाइट हांडी तैयार हो जाएगी। जब आप मेरी तरह हिलाओगे ना, इसका करचुमा बन जाएगा, पता है जी, इसलिए हम आपकी तरह हिला नहीं रहे। जबरदस्त,
ये हिलाना भी सर से एक ट्रिक है जो किसी को नहीं आती, चावल हिलाने की भी ट्रिक होती है। जी जी बिल्कुल, मैं जब हिलाता हूँ ना तो वो ना भरथा बन जाता है। वो क्यों हो जाता है, इसकी क्या खास वजह है भाई जान? उसकी काफ़ी सारी वजह हाथ हैं, अब वो भरथा क्या बन जाता है उसके हिसाब से ही जवाब दिया जाएगा। जैसे सालन है, सालन में पानी वगैरह ज़्यादा डल जाता है तो भरथा बन जाएगा, या चम्मच नहीं ज्यादा चला लिया जाए तो हाँ, बन जाता है। हम चम्मच ज्यादा हिलाते हैं वो बर्तन बन जाता है सालन। अजीब टेस्ट आता है लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगता। आपको चाहिए था कि आप हमारे भाई से सीख लेते पहले। ओ सॉरी भाई जान, ठीक है जी, अब आप हमें शागिर्द बनाए अपना, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ हम भी कुकिंग किया करें, आप हमारा आकर भी लोग बनाया करें, सीखें भी व्लॉग भी बनाए। ठीक है जी, सुबह इंशाल्लाह आप पहले हमें टाइम दें, कल उधर ब्रोस्ट बनाएंगे सुभानअल्लाह। ठीक है जी, तो ब्रोस्ट के व्लॉग बनाएंगे, उसके बाद आपके वो शागिर्द बन जाएंगे। ठीक है जी इंशाल्लाह। चलें जी, अब ये अब इसको कितनी देर है? ये इंशाल्लाह घंटे में हो जाएगा तैयार। चलें जी, अभी हम इसको साइड पे रखते हैं जी, आधे घंटे के बाद आपको मिलते हैं जब रेडी हो जाएगा जी। पहले वो वाइट कोरमा का बना रहे थे, अब पानी इसका बिल्कुल ओके हो चुका है, रेडी हो चुका है, अब इसमें चावल डालने हैं। आ जाओ हमारे भाई जल्दी करें, पानी बिल्कुल रेडी हो चुका है जी। हमारे भाई चावल लेके आ गए, हम चावल डाल रहे हैं, ये चावल इसके अंदर डाल दिया है। ये अब कितनी देर लगेगी? ये 10 मिनट चावल बनेंगे इसके अंदर। अच्छा, 15 से 20 मिनट का दम आएगा, आधे घंटे में चावल तैयार। वाह भाई कह रहे हैं 10 मिनट के अंदर ये चावल पक जाएंगे, फिर 20 मिनट का दम देंगे, उसके बाद ये हो जाओगे पुलाव रेडी। अब इसको हिलाना है? हिलाएंगे ताकि हमारा चावल जो है वो टूटे। नमक वगैरह चेक कर लें, हर चीज रेडी है। नमक भी चेक करते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि चावल ना टूटे। वो आंच का भी ख्याल रखना है नीचे से कि हल्की आंच हो ताकि चावल टूटे। तेज आंच हो या हल्की? सॉरी भाई जान, वो बोल रहे हैं कि आपको गलत गाइड कर रहे हैं, तेज आंच में। नहीं भाई जान, ये देखो गलत ना कहे ना कि ये व्लॉग बन रहा है, ताकि जब आप बनाएंगे वो फिर आपको गाली देंगे। ये बोल रहे हैं कि इसके नीचे तेज आंच होनी चाहिए ताकि चावल टूटे ना। ये चावल रह गए थे, अब वो भी इसके अंदर डाल रहे हैं। ये आपको किसने सिखाया था या खुद सीखे थे? ये सर जी मेरी अपनी इन्वेंशन है। हाँ जी माशाल्लाह जी, ये भाई कह रहे हैं मैंने सीखा था ये बाहर से। अच्छा, इसमें आधा बाहर का यानी कि मेरी अपने ही तकरीबन इन्वेंशन है ये। माशाल्लाह जी, अभी ये 10 मिनट का दाम आएगा और 10 मिनट के अंदर इसको बनाएंगे, उसके बाद दाम आएगा। ठीक है जी, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अभी हम दूसरा सालन देख लें कि उसको कितनी देर है। ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसके अंदर ये क्या डाल रहा है? ये है हमारा एक स्पेशल पेस्ट, इसमें है काजू, हाँ जी, बादाम, चार मगज। माशाल्लाह, ये बोल रहे हैं काजू, बादाम और चार मगज, ये हमारी इतनी स्पेशलिटी है ये, थोड़ा इसको मुरगन करने के लिए और शाही टच देने के लिए हम डालते हैं। जबरदस्त, ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए जी। वाह, ये हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं कि इसको हमने ट्राई नहीं किया अभी तक, ये काजू बादाम और इसका पेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब इसके ऊपर दम आ रहा है जी। हमारे भाई ने दम दे दिया, कितने मिनट? 20 मिनट दम लगेगा। चावल तो हो गया रेडी, अब इसके बाद है सालन की बारी, वो हम देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे भाई ने क्या डाला? दही, दही डाल दिया जी। अब जी इसके अंदर डाल दिया, पानी डाल दिया, अब इसको कितने मिनट लगेंगे? ये इंशाल्लाह आधे घंटे में सालन तैयार हो जाएगा। ये आधे घंटे के अंदर सालन रेडी हो जाएगा। और है कि फोन आना शुरू। हम आपको मिलते हैं 20 मिनट के बाद, ताकि अच्छी तरह सालन को बॉयल होने दें, पकने दें मतलब। ये माशाल्लाह जी सालन आधे से ज़्यादा रेडी हो चुका है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी सालन रेडी हो के दस्तरखान पे लग चुका है। ये सब बच्चे और बच्चियां खाना खाने में मसरूफ़ हैं। ये चावल भी बन चुके हैं, वो भी दस्तरखान पे लग चुके हैं। निकल गई थी, मार खाएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।